हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अमेज़न पे हमें सब कुछ मिल जाता है, मतलब खाने से लेकर हगने तक के लिए जो भी चाहिए सब मिल जाता है। तभी मैंने देखा कि अमेज़न पे प्रैंक आइटम्स भी मिल रहे हैं, और आपको तो पता ही है कि मुझे प्रैंक करना कितना पसंद है और आपको प्रैंक देखना कितना पसंद है। तो यही देखते हुए आज की वीडियो के लिए मैंने मंगाया अमेज़न से कुछ फेमस प्रैंक आइटम। अब देखना यह है कि ये प्रैंक आइटम जो है ये सच में काम करते भी हैं या नहीं, या ये सब मिलके हमें क्या कर रहे हैं, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो आइटम अपने पास है उसका नाम है ब्लडी ब्लड, नकली खून है। पता नहीं कि रोबजे जैसा क्यों लग रहा है मुझे, इतना पिंक खून तो मैंने नहीं देखा अपना, मेरा भी निकला है कई बार। इस ब्लड पे जो है, ग्रेट इवनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर सीट बेल्ट। अरे गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी माँ सीट बेल्ट लगाऊंगा जब चलेंगे। और इन्होंने पता नहीं क्या सोच के नीचे लिखा है इंजॉयबल, खून को इंजॉय कराना चाहते हैं हमें। इसको इंजॉय कैसे कर सकते हैं, प्रैंक करके। तो इससे प्रैंक मैं करने वाला हूँ निशु के ऊपर। अब देखते हैं ये रोबजे जैसा दिखने वाला खून क्या सच में किसी को प्रैंक कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रैंक करने जा रहा हूँ निशु को। जैसा आपको पता है, जो जहाँ से व्यूज आते हैं देखो आदमी पहले वहीं जाता है। अगर ये खून असली जैसा निकला तो मुझे एक सोलिड कहानी चाहिए होगी, तो मैं वही सोचता हूँ। तब तक तो गाइज, अभी हम आ गए निशु की पार्किंग में। अब देखना यह है कि जो ब्लडी ब्लड है ये सच में ब्लड जैसा निकलेगा या रोब जाए। कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है, घर नहीं बनेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा ना। तो गाइस, अब तो दोस्तों अब हम आ गए हैं निशु की पार्किंग में। अब देखना ये है कि ये जो ब्लडी ब्लड है हमारा, ये सच में ब्लड जैसा लगता है या रोबजा ही निकलेगा। देख रहे हो कितनी मेहनत करता हूँ मैं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब इतनी मेहनत डिजर्व करता नहीं है। ऐसा तो लगा कि तुमने जब सोस डाल दी। मैं खून खून चिल्ला रहा हूँ, निशु के कांच सोस खा गया है। एक जगह डाल लूँ ताकि लगे कुछ गहरा ही गड्ढा कर दिया किसी ने, इतनी तकड़ी कोनी मारी है। ओ भाई, कितना खून, इतना खून सर में निकल जाए दांत ही मर जाता है ऐसे तो रियल लाइफ में। अब जल्दी से इससे पहले सारा धरती में मिल जाए चल के निशु प्रैंक करते हैं। भाई जल्दी चल यार, कितना खून बह रहा है दिख नहीं रहा है तुझे। तू पहले ऊपर जाके कैमरा लगा ले। मैं निशु बोलेगी ना, तेरे खून का कलर ऐसा क्यों है। मैं बोलूँगा भाई गाजर सलजम बहुत ज़्यादा खाता हूँ और चकुंदर तो इस वजह से बहुत डार्क हो रखा है, पर अब सारा भेजा इससे पहले मुझे अस्पताल ले चल। निशु, निशु जल्दी खोल यार, पुलिस को फोन कर जल्दी जल्दी जल्दी, पुलिस को फोन कर। अरे सर में मार दे किसने, गोलू के, हाँ गोलू के बहुत चोट लगी है। किसने किया? बाहर 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 रो, अरे रो रही है, कॉल कर पुलिस को। देखिए रो क्यों रही है, अबे अबे ठीक ज्यादा नहीं लगी, रो मत रो मत रो मत रो रो मत रो, अरे नहीं लगी, अरे रो मत यार, रोने लग गई, रो क्यों रही है, किसको कह रही है। अरे मैं बाहर जा रहा था मैं यार गोलू, तो वो कहने लगे कि तुम दोनों काले हो काले, मैंने बोला काले हो तो क्या हुआ, दिलवाले उन्होंने हमें पीट दिया। नहीं लगी चोट, नहीं लगी, शूट कर रहा हूँ। आंसू देखे उसके, बेचारी का आंसू आ गया। अरे नहीं लगी, प्रैंक कर रहा हूँ। अरे है जो पागल गई का, अभी क्या हो गया भाई, ये तो ज्यादा मैटर सीरियस हो गया। अबे मजाक तो कर रहा था इधर जा। ओए निशु इधर आ, मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरा बहुत खून बह रहा है, ज्यादा रियल हो गया। ऑस्कर डिजर्व करता हूँ। तू कहीं का गाली क्यों दे रही है, वीडियो में बन रही है। किसी को चोट लगती है तो बंदा खड़ा होकर रोने लग जाएगा, ना उसके पट्टी दे रहा ना डॉक्टर बुला रहा ना कुछ, खड़े होकर रोने लग गया। अगर किस दिन मैं तो सच में मेरा चोट लग गई तो खड़ी होकर रो देगी, फिर चोट लग गई, चोट लग गई। अगर सारे डॉक्टर ऐसा करने लगे इंडस्ट्री के कि सर आपका पेशेंट आ गया बहुत चोट लगी हुई है, उनके चोट लग गई भाई, ऐसे तो सब मर जाएंगे। मैं अजय देवगन नहीं लगना, वाओ क्या लड़का है, ये तो समझ आ गया कि तू कितनी बोर्डम औरत है। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं खून पसीने की कमाई खाता हूँ, जो पसीना आ गया इसको निशु को ये देख के, खून मेरा निकला, हम खून पसीने की कमाई खा रहे हैं, आंसू अलग से लगे 2 इंच। तो गाइस अपना पहला आइटम ब्लडी ब्लड तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल निकला, और उसमें कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है, मेरी ऑस्कर लेवल एक्टिंग जो थी उसने उसको बहुत ही ज्यादा रियल दिखाया है ना। कोई ढंग की चीज मत कर लियो कभी जिंदगी में, तुझे पता भी क्या बना रहा हूँ क्या। अबे भाई मैंने अमेज़न से बहुत सारे प्रैंक आइटम्स मंगाए हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि आइटम जो है लोगों को प्रैंक करने के लिए सच में काम करते भी या नहीं, तो क्या दिक्कत है इसमें।
एक चिप्स जैसा पैकेट है, प्रिंगल आता है उसके पूरी तरह से बनाया हुआ है, और मुझे भी नहीं पता इसमें अंदर क्या प्रैंक है, कैसे होता है। तो अब शायद मुझे लग रहा है कि इसको खोलने पे कुछ प्रैंक होगा, बट अगर मैं इसको यही खोल दूंगा तो फिर प्रैंक कैसे होगा। तो इसको हम ट्राई करेंगे नीचे हमारे फेवरेट अंकल से, जहां से हम चाय पीते हैं। चल चल, तू भी चल रही है? देखूंगी ना आज पूरा दिन किस किस से गाली खा रहा है, तो मेरा बनता है देखना। तेरा रोल खत्म हो गया, तू यहीं रह सकती है, बस इतना यूज था वीडियो में तेरा। अपना माइक लिए व्यूज आ जाए तो जा। नहीं व्यूज तो वो पहले वाले पे आ जाएंगे। चलना है ऐसी मस्ती के लिए तो चल, देखूंगी मैं भी। देख रहे हो गाइस, इतनी तगड़ी वीडियो बनाता हूं, लोग लाइव देखना चाहते हैं, क्या बन रहा है। लाइव देखना है मुझे कि सिर्फ गाली खाएगा कि लात खा के आएगा। चाय बना दो एक। तो गाइस अभी हम आए हैं चाय पीने, चाय पियेंगे उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस अभी हम आए हैं चाय पीने, चाय पीने के बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। ये तो सेम मैंने बोल दिया ना, तूने तो बोला सेम एक्टिंग करनी है। तो गाइस 10 की चाय होगी, मतलब सुबह से हमारे खत्म हो चुके हैं पूरे 80 रुपए। 10 की चाय है, 10 की दो है तो 20, हमारे 90 हो गए खत्म। अभी कुछ कुछ बोल लूं। और गाइस चाय से खाने के लिए हम ये 10 रुपए के चिप्स लाए हैं, तो हम खाएंगे चाय से चिप्स और यही हमारा आज का डिनर है। शाम को डिनर कर रहा है ये, अच्छा इसका ब्लॉग का चैनल नहीं है। सौरभ जोशी का कुत्ता लगा है। सौरभ जोशी से कुत्ता मुझसे अच्छी ब्लॉगिंग कर लेता है, ये कहना चाह रही ना, क्या नाम उसको, पीयूसी ओरी ओरी ओरियो। अरे मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मैं जानबूझ के बोला तूने। नहीं कसम से, तेरे को पता है उसके कुत्ते का नाम क्या है? पागल के लोग कुत्ते का नाम याद रखोगे? अपने का याद है बस, निशु अंकल। अरे यार मत करना प्लीज। लो जी चाय आ गई गाइस अपनी, अब चाय से चिप्स खाने खोलूं? बहुत टाइट है यार। अंकल आप खोलियो, अंकल खोलेंगे हमारे चिप्स तो फिर उसके बाद खाएंगे चाय। क्या है गाइस, कहीं ना कहीं मैं डर रहा हूँ तो सक्सेसफुल तो है, एक दो लोगों को ट्राई करेंगे। तो गाइस फाइनली अब हम खाएंगे चिप्स और देखेंगे क्या ये चिप्स सच में इतने टेस्टी हैं जितना ब्रांड क्लेम कर रही है या नहीं। हाँ सेम, वो खुलेगा नहीं, नहीं अभी तो। अरे यार तो गाइस ये हमसे तो खुल ही नहीं रहा चिप्स का पैकेट। अरे यार खुल ही नहीं रहा। खुल गया ये तो। अंकल से खुद ही पूछ लेती हूँ, अंकल आप डरे क्या? अरे यार मैं ना ये आपसे अभी ना मैं आपसे खुलवाता हूँ, आप डरे नहीं। अरे ये खोलना, ये खुली नहीं रहा, मुझसे एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ। चिप्स है डरे गए, डरे आप, ये डर गया छोटू तो डर क्यों नहीं रहा। दीदी को बोलना कि दीदी फटाफट ये चिप्स प्लेट में लगा के दे दो, ठीक है? तीन जगह बेइज्जती करा ली, खुद करा ले अब जा। मैं बोलता हूँ इस वीडियो में आग लगा दी। क्यों? सांप को मारना नहीं चाहिए, जीव हत्या अपराध है। दीदी चाय बना रही हो? अरे यार सारे चिप्स गिरा दिए यार। क्या करती है दीदी ने देखो क्या? नहीं 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 दोबारा करना, शुरू से और दीदी को देना बस, खोलने को भी मत करना। चल यार दीदी सुनो, ये चिप्स डाल के दे दो प्लेट में। हमारा जो सेकंड आइटम था वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो ही गया। ये प्रोडक्ट जो है आपको ना मंगाने पड़े, इसीलिए मैं मंगा के आपको दिखाता हूँ। मेरी इस मेहनत के लिए, मेरे इस संघर्ष के लिए, मेरे इस लड़प्पन के लिए, मेरे इस और क्या होता है कुछ भी के लिए, मेरे कुछ भी के लिए आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो। मैं आपको ऐसे ही अजीब अजीब नहीं बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाता रहूंगा। दोस्तों दो प्रोडक्ट के पास सफलता के बाद अपना तीसरा प्रोडक्ट है ये। इसको जैसे हम स्लाइड करते हैं तो इसमें से ये निकलता है। अब देखना ये कि जितना मैं डरने की एक्टिंग कर रहा हूँ क्या सच में लोग इससे इतना डरेंगे या नहीं। और मुझे लोगों को ट्रिक करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसे बोलूंगा डब्बा खोलो तो लोग मेरा मुंह खोल देंगे, कहेंगे ये क्या बकवास कर रहा है। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया आपको मिलेगा मिस्ट्री प्राइस। पूछूं? आप मुझे ये बताओ कि अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मेरी उम्र कितनी होगी? जितनी आपकी होगी उतनी होगी। बिल्कुल सही जवाब, ये लो। मजा है? मजा है। ये मजा और लोगों को दूं या रहने दूं बस? करो करो मजा सही है तो। ठीक है ठीक है भैया, डरे तो डर तो रहे हैं लोग। हेलो दोस्तों, हेलो 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 हेलो, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने सही जवाब दिया आपको प्राइज मिलेगा। नहीं चाहिए प्राइज, इनका प्राइज इनके पास है ऑलरेडी। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया आपको मेरी तरफ से मिलेगा ये मिस्ट्री प्राइज, ठीक है? ठीक है भाई। रेडी हो आप? हाँ
तो आप मुझे ये बताओ, अगर हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था तो आज भी इतनी ठंड क्यों पड़ती है हमारे देश में? ठंड क्यों पड़ती है यार, कभी सोचा नहीं इस बारे में भाई। आज सोचो, बोल दो। ठंड इसलिए पड़ती है क्योंकि गर्मी में क्या होता है, हम पेशाब बहुत करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है सब, फिर ठंड पड़ती है। ऐसे बोल दो। तो बताओ भैया, ठंड क्यों पड़ती है? भाई गर्मी में हम पेशाब करते हैं ना, इसलिए वो जम जाते हैं, इसलिए ठंड पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपका मिस्ट्री प्राइज, थैंक यू सो मच। तो गाइस, अगर आप भी ऐसे मिस्ट्री प्राइज जीतना चाहते हो तो आप भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। तो गाइस यहाँ पे भैया पे प्रैंक फेल हो गया। ये मैं प्रैंक कर रहा हूँ, आपको पता समझ आई गया होगा। आपको ठंड का पता है तो इसका पता ही होगा ऑब्वियस। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा मिस्ट्री प्राइज। बताओ खेलोगे गेम? इधर अब इधर तो मुंह करो, उधर पीछे पिछवाड़े से बात करूंगी आपके। आप मुझे बताओ कि जब दिन में सारी गाड़ियां सड़क पर चल रही होती हैं तो रात के 3 बजे ऐसा क्या होता है कि सारी गाड़ियां उड़ने लगती हैं? सब पी के चलाते गाड़ी है? पी के चलाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, रात को सब पी के चलाते हैं इसलिए गाड़ी उड़ने लगती है। ये रहा आपका प्राइज। हाँ, डर गया। देख सकते हैं सभी लोग, इस तरह का हमारा भविष्य हो गया है। जैन जी किड्स यहाँ मस्ती करते हैं, घर पे बोल के आते हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर यहाँ पे हाथ पकड़ के घूमते हैं एक दूसरे का। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने सही जवाब दिया तुम्हें प्राइज दूंगा। तुम अच्छे अच्छे बच्चे लग रहे हो मुझे, ठीक है। तो सवाल सिंपल सा है, अगर घास हरी है तो हमारा बस में किराया क्यों लगता है? बता भाई, स्कूल जा रहा है, अलग से ट्यूशन भी लगवा रखा है घर वालों ने, फिर भी तुमने सिंपल सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। घास हरी है उससे बस के किराए से क्या मतलब है? बिल्कुल सही जवाब। ये ले प्राइज, एक ही बार में खोलना है। उसे खुलवा लो। तुमने जवाब दिया? वो मेरा भाई है। ले। उसे खुलवा लो। अरे अपनी तरफ खींच। देखिए गाइस, छोटे बच्चे भी इससे नहीं डर पा रहे, क्या बुद्धू चीज है। ऐसी चीजों पर अपना समय और पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनाए। दोस्तों अगला प्रोडक्ट जो अपना है वो है ये, ये एक बियर का गिलास है, जो मतलब लगता है बियर का गिलास है पर इसमें ऐसे बियर गिरती नहीं है। तो मेरे हिसाब से हम किसी के ऊपर इसे ऐसे प्रैंक करते हैं, हम खड़े हैं बियर पी रहे हैं तो बंदा डर जाएगा, है ना। पर इसके लिए हमने सोचा कि हम प्रैंक करके ट्राई करेंगे इसको आयुष के ऊपर। बट मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे डायरेक्ट जाऊंगा कि अचानक से मैं बियर पी रहा हूं उसे गिराऊंगा, उसे यकीन हो जाएगा। तो मैंने एक ट्रैप बनाया है। मैंने इसमें एपी फीस भर रखी है। अरे आप तो झूठ बोल रहे हो। एपी फीस है यार, इसमें मैंने एपी फीस भर रखी है। पहले मैं जाके ना इसको पी के दिखाऊंगा, इसके साथ पीता रहूंगा, जो उसको दिखेगा कि हाँ इसके गले में अंदर उतर रही है, जा रही है असली है। फिर दूसरे राउंड में जाऊंगा उसको लेके। इसको छुपा दो इधर। तो आदमी मूड खराब होगा तो दारू बियर ये सब पिएगा ना, और क्या करेगा? इसे करना ही मेरे पे डाल रहा है। दो दिनों का एक थंबनेल नहीं बन रहा इस पे। बियर पिएगा? ले पी। डरा नहीं तू? इन्हें गाली दी। डरा क्यों नहीं तू? डरा तो। डर गया ये? देख के बचा है, कैमरे में देख के बचा है, उस वाले में डरा नहीं डरा। इतने खिलौने में इतना ही डरूंगा। 23-24 साल का घोड़ा ये 20-25 साल के खिलौने लेके ना निकल जाती है। सक्सेसफुल हो गया। और गाइस अपना जो फाइनल आइटम है वो है ये पिंक हार्ट, और ये बिल्कुल भी रियल तो नहीं लग रहा है। देखो खैर मैं तो ज्यादा काला हूँ, पर अगर किसी गोरे आदमी के सामने भी रखो तो उसके हाथ जैसा भी नहीं लग रहा। मतलब इंडियन कलर, फॉरेनर कलर, नाइजीरियन कलर, किसी भी कलर के हाथ से हाथ मैच नहीं करता। मुझे नहीं लगता इस हाथ से कोई प्रैंक होने वाला है, तो मैं अपनी बेइज्जती ना करवाते हुए एक काम करता हूँ, मैं इसे तुम्हारे ऊपर ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है? तुम भूल जाओ कि मैंने तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है? अब शुरू से करेंगे। मैं इसे एकदम ऐसे लाऊंगा स्क्रीन पे। अरे क्या यार, वीडियो बन रही है, मस्ती तोड़ने चल रही है, जा जल्दी यार यार तुम। से लगा हुआ है। तो दोस्तों तुम भूल जाओ कि तुमने ये सब कुछ देखा, इस हाथ को मैंने दिखाया, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम कमेंट करके बताना कि तुम इससे प्रैंक हुए या नहीं, ठीक है? अब सब हट जाएगा यहाँ से। मैं तो डर गई। क्या हुआ, प्रैंक हो गए? कमेंट करके बताओ कि गाइस तुम इस हाथ से प्रैंक हुए या नहीं, और इस वीडियो पे
अगर तुम 80,000 लाइक कर देते हो तो मैं इस बार तो खैर घटिया आइटम मंगा दिए थे मैंने, धीरज को बोला था उसने मंगाए थे, इस बार मैं खुद से बहुत तगड़े तगड़े पैक आइटम मंगाऊंगा और उनको ट्राई करूंगा। और गाइस आज की वीडियो में तो मैंने खून पसीना आंसू सब भाए हैं, तो सब्सक्राइब अब तो करो कम से कम। तेरे को कोई लड़की हाथ तो लगाती नहीं ऐसे ऐसे, तू फील ले सकता है तो यहाँ पे क्यों लूंगा, फिर यहाँ लूंगा ना।